वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। हुण असीं अपना सफ़र सुनाम शहर तो पोह करन जो कि राजस्थान के विच है, उत्थे गुरद्वारा साहब है श्री गुरु नानक देव जी का, उत्थों तक का सारा सफ़र दिखावांगे। तो राजस्थान जांदिआं रस्ते दे विच जिन्ने भी गुरु घर आउणगे उन्हां सारयां तुहानूं दर्शन करवाए जाणगे। तो जिहड़े भी नवें व्यूअर साडी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बेनती है कि साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, तो नाल बैल आइकन प्रेस कर लो ता जो हरेक नवी वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। तो अज की वीडियो दे विच असीं तुहानूं लैके जावांगे गुरद्वारा श्री किला साहिब जो कि बठिंडे दे विच है। तुसीं देख सकते हो उहदी लोकेशन भी बठिंडे दे विच किस जगह पर गुरद्वारा साहिब है। तुसीं बठिंडा फोर्ट या गुरद्वारा श्री किला साहिब भर के सर्च कर सकते हो, ये बठिंडे दे विच है जी। तो असीं तुहानूं अज दर्शन करवावांगे गुरद्वारा श्री किला साहिब, तो अगे तुहानूं असीं सारे गुरद्वारा साहिबां दे दर्शन करवावांगे। जो भी रस्ते दे विच आउणगे पोह करन राजस्थान तक जांदिआं साडे चैनल नाल जुड़े रहो तो वीडियो नूं पूरा देखियो। ये जिहड़ा किला तुसीं देख रहे हो संगत जी, ये अंदर गुरद्वारा साहिब किला साहिब है जिथे कि श्री गुरु गोबिंद साहिब पातशाह जी आए सन। उन्होंने आके इत्थे बठिंडे दे लोगों को दर्शन दिते सन। तो तुहानूं अगे इतिहास दसांगे कि इतिहास है गुरु घर का। तुसीं देख सकते हो बहुत ही वड्डा किला बनया हुआ संगत जी। ये तो ये किला लगभग 1000 साल पुराना किला है जी। हाँ जी, ये 1000 साल पुराना किला है, तुसीं देख सकते हो। नाल नाल तुहानूं असीं किले का भी इतिहास दसांगे। तो जो इत्थे गुरद्वारा साहिब है अंदर उस इतिहास तो भी जाणू करवावांगे तुहानूं संगत जी। तुसीं देख सकते हो काफ़ी चौड़ा किला है। किले की जिहड़ी बाउंड्री है चार दीवारी काफ़ी चौड़ी हैगी, तो बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां ने किले दीआं। हुण भी सरकार वल्लों थोड़ा जिहा रिपेयर का काम चल रहा किले का, नाल नाल ठीक भी करी जांदे ने किले नूं तां जो आने वाली पीढ़ियां भी देख सकन। किला मुबारक जिसनों बठिंडे का किला भी कहा जाता है, ये किला बठिंडा शहर के बिल्कुल मध्य दे विच है, विचाले है बिल्कुल शहर के। तो किला मुबारक सदियों तो पंजाब राज द्वारा सताए गए कई युद्धों का गवाह भी रहा है, बहुत जिन्नी भी लड़ाइया हुई सन उन्हों का गवाह भी रहा है किला जी। क्योंकि यह जो शानदार किला से उत्तर पछमी मार्ग से स्थित सी, जिदे करके इसनों तावरे हिंद या भारत का गेटवे वजो भी जाने जाता सी। मजबूत ढांचे होने के कारण इस किले ने पंजाब दियां रक्षा नीति बहुत योगदान दिता सीगा। पुरानियां कथनावां अनुसार यह किला राज डैब ने 8वीं सदी के आरंभ में बनाया सी। ते हुण तुहानूं असीं लैके जाने गुरद्वारा साहिब जो कि पुराना गुरद्वारा साहिब है जिथे कि गुरु साहिब जी आए सन, जिन्हों के अजकल ओल्ड गुरद्वारा साहिब भी कहा जाता है। इत्थे अंदर काफ़ी चढ़ाई है संगत जी उपर जाने वास्ते, गुरद्वारा साहिब जाने वास्ते बहुत सीधी चढ़ाई है जी इत्थे। तो काफ़ी वड्डी जगह दे विच किला बनया होया, नाल नाल तुहानूं असीं इतिहास भी इहदा दसदे जांदे आ, ते नाल नाल तुहानूं असीं गुरद्वारा साहिब उपर लैके जाने दर्शन करवाउण वास्ते, ते उत्थों दा इतिहास तों वी उत्थों जाणू करवावांगे। हिंदू शाही शासकों की राजधानी रहा जी किला। तो कश्मीर के हिंदू इतिहासकारों ने इसनों जयपाल की राजधानी कहा है। तो गजनी ते तुर्की दे महमूद ने इस शानदार किले ते 1004 ईस्वी के कब्जा कर लिया सी। तुसीं देख सकते हो 1004 ईस्वी के कब्जा किया, मतलब कि यह किला 1000 साल तो भी ज़्यादा पुराना है। बाद विच राजपूत भी उभरे, राजपूत साम्राज्य के उत्तर पछमी सरहदां विच सरहंद ते बठिंडा के सब तो महत्वपूर्ण फौज केंद्र सन। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पछम तो संभावित हमलों तो बचाने लई बठिंडे के किले की उसारी की, पर मुहम्मद गोरी नूं 1199 विच किले उत्ते हमला करना पिया ते कब्जा करन तो रोक नहीं सकिया। कुछ समा बाद विच 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किला मुबारक का दौरा भी किया सी, जिस तो बाद ये गोबिंदगढ़ के किले वजों जाने जान लग्या। बुरजी के शिखर ते स्थित पटियाले राज के महाराजा करम सिंह द्वारा
बनाया गया एक गुरद्वारा उन्हां दी यात्रा की याद दिवाउंदा है। जो तुसीं गुरद्वारा साहब देख रहे हो महाराजा करम सिंह द्वारा बनवाया गया सीगा। लगभग 1754 विच किले नूं महाराज आला सिंह पटियाला राज दे राजपूत भट्ट जदूवंशी दे शासक ने अपने कब्जे विच कर लिया। तो फिर 1774 विच उन्हां दे पुत्र अमर सिंह ने किले नूं अपने कब्जे विच कर लिया। तो बाद विच बठिंडा समेत पटियाला रियासत ब्रिटिश सरकार दे अधीन आ गई सी। तुसीं देख सकदे हो इस किले ते ना काफ़ी लोगों का राज रहा है। कुछ कुछ टाइम बाद कई लोगों ने अपना कब्जा किया सी। पर जिहड़ा इह गुरद्वारा साहिब तुसीं देख रहे हो यह पटियाले राज दे महाराजा करम सिंह जी द्वारा बनवाया गया सीगा, क्योंकि इत्थे श्री गुरु गोबिंद साहिब जी आए सन। तुसीं दर्शन कर सकते हो दरबार साहिब जी दे, काफ़ी पुराना दरबार साहिब है जी इत्थों दा। नाल तुहानूं असीं इतिहास दसदे हां भी इत्थों दा की इतिहास सी, गुरु साहिब ने किवें लोगों नूं तारिया सीगा, उन्होंने किवें अपने दर्शन दिते सन। गुरु गोबिंद साहिब जी 1706 नूं बठिंडा विखे आए सन। तो इत्थे नाल ही बठिंडे दे गुरद्वारा साहिब है हाजी रतन साहिब, जिथे कि गुरु साहिब जी ने हाजी रतन नूं जन्म मरण तो मुक्त किया। उत्थे संगतां ने गुरु साहिब जी अगे बेनती की कि पातशाह जी तुसीं इत्थे उजाड़ च बैठे हो ते तुसीं किरपा करके साडे नाल किले विच चलो। तो संगतां दी बेनती सुन के गुरु साहिब जी किले दे विच आए सन। तो उन्होंने किले दे विच चरण पाए सन। तो गुरु साहिब जी ने संगतां नूं फिर पुछया कि तुहानूं कोई दुख तकलीफ तां नहीं। संगतां ने गुरु जी अगे बेनती की कि पातशाह जी असीं बहुत दुखी हाँ, इस किले विच एक काणा दिओ रहिंदा है जो कि कच्चे पक्के कोठे मकान उन्हां नूं ढा दिंदा है, तो किरपा करके सानूं इस तों छुटकारा दिवाओ। गुरु जी ने काणे दिओ नूं बुला के पुछया कि तू लोकां नूं क्यों तंग करदा है। तो काणे दिओ ने बेनती की कि महाराज मैं काफ़ी समय तो भुखा हाँ, बाकी तुसीं इतिहास भी पढ़ सकदे नाल संगत जी। काणे दिओ ने दस्या गुरु साहिब जी नूं कि उह काफ़ी समय तो भुखा है, तो इस लई तुसीं मेरी भुख की नवित करो, मैं तुहाडे कहण ते किले विचों सदा लई चला जावांगा। तद गुरु साहिब जी ने अपनी अंतदृष्टि नाल तकिया कि पिंड नत्त बंगेर विखे 10 पिंडां दा सांझा झोटा है, उस तों भी लोग बहुत दुखी सन। तां उस झोटे का उदार करन लई गुरु जी ने कुछ सिंघां नूं झोटा लैण लई भेजिया। जद सिंघ पिंड नत्त बंगेर पहुँचे तो लोगों तो झोटे बारे पुछया गया, तो लोगों ने भी मजाक नाल कहा सामने टोभे विच बैठा है। गए हुए सिंघां विचों भाई मैलागर सिंह ने उच्ची आवाज़ लगाई तो कहा चल भाई तैनूं गुरु जी बुला रहे हैं। तो झोटा टोभे विचों बाहर निकल के सिंघां दे अगे अगे तुर पिया ते गुरु साहिब जी अगे हाजिर हो गया। गुरु साहिब जी ने भाई मैलागर सिंह नूं हुक्म किया कि उह इस झोटे नूं श्री साहिब दे इको वार नाल झटका दिता जाए। भाई मैलागर सिंह ने इको वार नाल झोटे का सिर ला दिता। गुरु जी ने दिओ दी भुख निवृत्त कीती ते हुक्म दिता कि तू सरहंद चला जा, उत्थे तेरी जरूरत है। उपरंत संगतां ने बेनती की कि महाराज साढ़े मालवे विच काल बहुत पैंदे हन। तो गुरु जी ने कहा कि असीं जांदे होए काल नूं दक्षण देश वल लै जावांगे। सो गुरु जी दे वचन साकार होए। तो जिहड़े संगत जी काल की गल की गई है कि गुरु साहिब जी कह रहे सी वी असीं काल तुहाडा लै जांगे मालवे का, अगे तुहानूं असीं गुरद्वारा साहिब दिखावांगे, गुरद्वारा सुहावा साहिब अपनी अगली वीडियो दे विच, जिथे कि गुरु साहिब जी दा काल मतलब सिंघां ने किवें काल छड्ड दित्ता सी, उत्थे तुहानूं सारा इतिहास दस्सांगे उत्थों दा जी। तो तुसीं देख सकदे हुण किला जी बहुत वड्डी जगह दे विच किला बनिया होया है। तो नाल इत्थे एक होर गुरद्वारा साहिब बनाया गया है लोकल संगतां वल्लों, शहर दीआं संगतां वल्लों। वह गुरद्वारा साहिब थोड़ा थले बनया हुआ है। उस गुरद्वारा साहिब बनाने की जरूरत त पई सी क्योंकि जो बजुर्ग लोग होंगे सन उन्हों तो उपर वाले गुरद्वारा साहिब आया नहीं सी जाता दर्शन करने वास्ते, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है तो पौड़ियाँ भी बहुत हैं, तो संगत को थोड़ी जी कठिनाई होंगी सी। तो उसनों मद्देनज़र रखते हुए संगत वालों गुरद्वारा साहिब दूजा बनाया गया है, तुहानूं असीं दिखावांगे वह भी। तो तुसीं देख सकते हो किले की बाउंड्री काफ़ी वड्डी बाउंड्री है, तो नाल इत्थे किवें किवें कमरे बने हुए हैं थले भी।
अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं तो उपर किदा इतने कमरे बने हुए हैं सारे तुम देख सकते हो। बठिंडे शहर से सानू साढ़े सबसक्राइबर भी मिल गए थे तो सानू बहुत वधिया लगे जो उन्होंने सानू हौसला दिता तो उन्होंने सानू दस्या कि तुसी बहुत वधिया काम कर रहे हो जो लोगों नू इतिहास तो जाणू करवा रहे हो गुरु घर के तुसी इतिहास दस रहे हो। तो संगत जी ये गुरुद्वारा भी किले के विच ही बनया हुआ है। ये लोकल संगतों वालों गुरुद्वारा साहब बनाया गया है तुसी देख सकते हो बहुत सोहना गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है। तो नाल ही इत्थे लंगर की सेवा भी चलती रहती है संगत जी संगतां दे लई लंगर की सेवा भी इत्थे चलती रहती है जी। तो इस गुरद्वारा साहब नूं गुरद्वारा श्री किला मुबारक नाम के नाम जाणिया जांदा है। गुरद्वारा श्री किला मुबारक दे नाम नाल जाणिया जांदा जी इस गुरद्वारा साहब जी नूं। तो जिहड़ा दूजा गुरद्वारा साहब तुहानूं दिखाया सी पुरातन गुरद्वारा साहब उहनां नूं गुरद्वारा किला साहब दे नाम नाल जाणिया जांदा है। काफ़ी संगतां नूं इस गुरद्वारा साहब बारे पता नहीं है तो तुहानूं असीं नक्शे दे विच भी समझाया वीडियो दे शुरू दे विच दस्या होया कि गुरद्वारा साहब दी लोकेशन कित्थे है। बाकी असीं हरेक वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच लोकेशन जरूर पाउंदे हां गुरद्वारा साहब दी तां जो संगतां नूं गुरद्वारा साहब लभण विच कोई औख ना आवे ते उहनां नूं पता लग सके कि गुरद्वारा साहब किहड़े जिले दे विच है जां किहड़े पिंड दे विच है। तुसीं दरबार साहिब देख सकते हो बहुत सोहना दरबार साहिब बनिया होया है। गुरद्वारा श्री किला मुबारक बठिंडा बहुत सोहना दरबार साहिब बनिया होया संगत जी। तो जिन्नी भी जानकारी तुहानूं दित्ती जांदी है संगत जी ये सारी जानकारी उत्थे लिखे इतिहास तो पढ़ के तुहानूं सुनाई जांदी है जां उत्थों दे कमेटी मैंबरां द्वारा पुछ के ही तुहानूं दसी जांदी है सारी जानकारी। तुसीं देख सकते हो काफ़ी वड्डा किला बनिया होया है लोग बहुत इत्थे घूमण आउंदे हन घूमण वाले लोग भी बहुत आउंदे हन पर जिन्हां नूं इतिहास पता है तो वह दर्शन करके जरूर जांदे हन गुरद्वारा साहिब जी दे। काफ़ी पुरानी किला होण दे कारण हजे भी बहुत मजबूत है जी किला ये बहुत पुराना होण दे कारण भी हजे भी मजबूती दे नाल खड़ा होया है किला। तो जिहड़ा किले का इतिहास है वह इत्थे बाहर लिखा होया है वह इतिहास तुहानूं दिखाउंदे आ। तुसीं गेट देख सकते हो गेटां दे उपर किवें वड्डे वड्डे किले लगे हुए हन काफ़ी लोगों का इत्थे राज रहा होया किले दे उत्ते काफ़ी राज्यां दा भी राज रहा है अंग्रेज़ां ने भी राज किया इस किले दे उपर। बाहर तुसीं पार्किंग देख सकते हो काफ़ी वड्डी पार्किंग है तो नाल ही इत्थे बाहर इतिहास लिखा होया किले का वो तुहानूं इतिहास दिखाउंदे आ। तुसीं बाहरों देख सकते हो कितना शानदार किला बनया होया बहुत उच्चा बनया होया किला है तो नाल तुसीं ये इतिहास हुण पढ़ सकते हो किवें किवें इस किले की उसारी हुई तो किने किने कब्जा किया। तो तुसीं साडी वीडियो नूं लाइक तो शेयर जरूर कर दिओ तो जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। अगे तुहानूं असीं होर वीडियोज़ देवांगे राजस्थान जाते हुए जिन्हें भी गुरद्वारा साहब आउणगे तुहानूं उन्हां दे दर्शन करवाए जाणगे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भुल्यो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।